देखो अभी आपका परमिट है कि नहीं सर? बन सा रहे हमारे पास। और दूसरा ऐसा वाला परमिट है कि नहीं? नहीं अभी इधर नहीं है, तब बनाना पड़ेगा सर। हाँ बनाना है, वही तो बनाना है। बनाना पड़ेगा। आपका इधर नाम लिखिए, आपका शॉप कितना आदमी है? दो और नहीं है? वो सारे नेपाली हैं। आपका दोनों का नाम लिखिए। कितने पैसे लगते हैं? एक आदमी के 2000 लगते हैं सर। एक आदमी के 2000 रुपीस? नेपाली रुपीस 2000 लगते हैं। एक आदमी के 2000। कितने दिन का ये परमिट? आप कितना दिन रहते? प्रॉब्लम नहीं, एक वर्ष भी बैठ सकते हैं। 1 ईयर भी आप इधर बैठ सकते हैं। 1 ईयर और ये 2000 तो बहुत ज्यादा नहीं? मैंने पता नहीं कितने देखे थे। इंडियन लोग का 2000 है, विदेश लोग का फिर 6000 लगते हैं। कहाँ तक रास्ता जा रहा है पहले पूछो, कोई तुक भी है ये 3-4 किलोमीटर जाने के लिए? हाँ, थारे कि वो आदमी है ना, वो भी बोल रहा है कि 4 किलोमीटर के बाद ऊपर नहीं जाए, नहीं जा सकता। मेरे को तो तुक नहीं समझ आ रहा है। 3-4 किलोमीटर जाने के 4000 रुपए दे दे, 3-4 किलोमीटर के लिए वापिस आना ही है फिर तो? उसके बाद तो वापस आना ही पड़ेगा। जा नहीं सकते तो क्या करें? जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं, फिर अगर नहीं जा सकते तो वापस तो जरूर आने पड़ेगा। तेज जगह में होटल भी नहीं है, कुछ नहीं है, बर्फ है, क्या करना है? हमें ऐसे ही जाने दो। यहीं से वापस आना है, 2-4 किलोमीटर देख के वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आते, नहीं नहीं अगर हम आज नहीं नहीं एक मिनट, अगर हम नहीं आते 3 दिन बाद आते, हमारी इंडियन नंबर आना तो इसी रोड से ही है, तो वो हमसे 4000 रुपए ले लेना आप। हमें यहीं तो जाना तो यही है, इंडियन नंबर प्लेट आप हमें रोक लेना, हमसे 4000 रुपए ले लेना आप। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ दिक्कत नहीं हमें 4000 रुपए देने में भी, और मैं सिर्फ 3-4 किलोमीटर तक जाके वापस तो मेरा कोई तुक नहीं बनेगा। 4 किलोमीटर बाद अगर वहां से अगर मेरे को मिल गया रास्ता और मैं वापस आऊंगा 2 दिन बाद, क्योंकि मुक्तिनाथ टेंपल करके वापस आऊंगा, मेरी गाड़ी का नंबर तो इंडियन नंबर है, वो तो रुकेगी रुकेगी, तो वो 4000 रुपए आप हमसे ले लेना। इसलिए अभी आपका डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, अभी लाइसेंस है कि? हाँ वो तो ले लो, लाइसेंस सब है। अगर फिर नहीं है तो अभी आने के बाद लेके जाना। म गएन भने अहिले फर्किन्छु, तलै जान्छु अनि लाइसेन्स दिला। आप जाओ ऊपर जाओ, बाइक गया तो मुक्तिनाथ जोमसुम जाओ, वो ऊपर ही काटो 1% 2000, और नहीं गया तो वापस आओ यहाँ से। तो अभी हमने परमिट नहीं बनवाया, अभी ये 4-3 किलोमीटर तक का रास्ता जा रहा है खाली, आगे पूरा रास्ता बंद है, ठीक है। और एक बंदे की एंट्री के ले रहे हैं 2000 रुपये, उसकी कोई लिमिट नहीं, वैलिडिटी नहीं है, जब तक आपके बंस आ रहा है आप जितने दिन भी रह सकते हो वहाँ पर। उसके बाद अब 4 किलोमीटर के लिए 4000 रुपये, 2000 रुपये निशान भाई अपने मेरे 4000 रुपये दें, उसका कोई तुक समझ नहीं आया। तो फाइनली हमने उनसे बात करी, उनको कन्विंस किया कि हम अगर आते हैं वापस आज या सुबह आ जाएंगे तो लाइसेंस आप वापस दे देना, बाकी अगर आप अगर हम नहीं आते आगे चले जाते मुक्तिनाथ रास्ता में मिल जाता किसी ने अभी, देन हम आते हुए आपको अपने जो 4000 रुपये वो पे कर देंगे। तो हमारे यही बात हुई उनसे, ऑफिसर थोड़े से सपोर्टिव थे वो, उन्होंने समझी हमारी बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे रे वो देखो माउंटेन एंड दैट टू सो गॉड। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, उफ ओहो क्या खूबसूरत है यार। वहां पर दिखा नहीं होगा कैमरे में, बट पूरा का पूरा माउंटेन ही वाइट है। ये स्नो शुरू हो गई यहाँ से, यूहू स्नो शुरू हो चुकी है, मतलब यहाँ तक स्नो है। अब थोड़ा सा ब्लैक आइस का भी ध्यान देना पड़ेगा, गलती से भी टायर के नीचे ब्लैक आइस ना आ जाए, तो कोशिश करूँगा कि टायर के पीछे टायर ही लगा के चलूँ, ताकि उनकी बाइक जहाँ से निकली है वहीं से निकल जाए। We'll be right back.
ठंड की बात करूँ, ठंड काफ़ी है, ग्लव्स के अंदर थोड़े से बच्चे हुए हैं, हाथ में जैसे ही ग्लव्स से हाथ बाहर निकालो तो इतने चिल्ड हुए अपने दो सेकंड में कि मैं बता नहीं सकता आपको। मजबूरी है, मेरे को वाइजर ओपन करके भी चलाना पड़ रहा है। दो रीज़न है, एक तो ऑडियो नहीं आएगी सही से क्योंकि माइक अडैप्टर नहीं लगा रखा, बारिश हो जाती कभी कभी, बार बार उतारना लगाना तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरा रीज़न ये है कि वाइजर बंद करता हूँ तो फॉग हो जाती है क्योंकि मुंह से सांस लेनी पड़ रही है बार बार। फोटो फोटो एक्साइटमेंट लेवल देख लो भाई साहब। इतना स्ट्रगल करने के बाद हमें ये मिला। सो दिस इज द व्यू व्हाट वी गेट, ये देख लो। और निशान भाई कुछ कहना चाहते हैं? मेहनत सफल हुई? मेहनत सफल हुई काफी हद तक। सो गाइस अभी पूरा का पूरा स्नो ही है आगे और ये शायद लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा और जाके हमें 2-3 किलोमीटर तक के और ऐसा ही मिलेगा, उसके बाद पता नहीं रास्ता कैसा है, उसके बाद ही पता चलेगा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अभी मारना है मेरे को इनको बर्फ से, एंजॉय करते। हेलो बहुत मस्ती करी है हमने, कम से कम आधा पौना घंटा स्पेंड किया अच्छी तरह से। और अब हम फिर निकल चुके हैं आगे अपनी एडवेंचरस राइड कंटिन्यू करने के लिए। ओहो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यार, अच्छा है काफ़ी। 5 से 2 यहाँ बना लिए, लेते जॉनसन और मुक्तिनाथ। इतना प्यारा लग रहा है यार, मैं नीचे देख के बाइक चला रहा था, अभी जस्ट ऊपर देखा तो इतना प्यारा लग रहा है देखने में। आगे वो तो बाइक्स बीच में से चल रही है स्नो में से, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। स्ट्रगल है तभी तो मजा आ रहा है, स्ट्रगल ना होता तो फिर क्या है। इतना तो कई लोगों ने यार मस्टैंग भी किया होगा तो इतना एडवेंचर नहीं देखा होगा। ऑफ रोडिंग देखी होगी यार, ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार एडवेंचर हुआ, देखते हैं कहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है आज। चल 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 चल, हमेशा अलग दूसरों की वीडियोस में देखा, दूसरों की फोटोज में देखा ये सब। तो भाई वाइट्स पीती है,
नो लेस देन विंटर स्थिति। कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार, सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ एक्सट्रीम करने को मिलेगा। एंड फाइनली आई एम डूइंग इट टुडे। कुछ हुआ क्या? ओ, स्लिप हो गई बाइक। एक बाइक स्लिप हो गई। वो बाइक के पीछे वो वाली बुलेट स्लिप हो गई, दो बंदे बैठे थे उसके ऊपर। ये यार देखो 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 क्या मिल रहा है। वो अगर दिख रहा होगा तो एक ही रास्ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा रास्ता। हैंडल को स्टेबल रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इतना सही एरिया आपको इसी में से सीधी रखनी है, ना इधर ना उधर। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल गया। ये ब्लैक आइस है, चल नहीं रही है। उधर तक वो भी फंस गए, आगे फंस गए। छोड़ रही है बाइक, इस व्यू के लिए तो कुछ भी। ये यार क्या जबरदस्त व्यू है यार, व्यू देखो क्या जबरदस्त व्यू है। ओ, आगे बहुत स्लिपरी है। ओ, शिट, 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 गिरी। ओ, फाक, वाटर क्रॉसिंग। निकल गए, पहली वाटर क्रॉसिंग अभी थी। स्लिप हो रही है बाइक बहुत ज्यादा। विंटर लद्दाख है क्या भाई ये? पत्थर है ना बड़े बड़े। ओह शिट, Mm-hmm.
यार खूबसूरती देखो इस जगह की। वो देखो ओ वाह 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 वा, रोड क्लीनिंग हो रही है शायद। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, इससे खूबसूरत क्या होगा। और एनर्जी लो लग रही है, क्या बात है। लेकिन बर्फ एक्सपेक्ट नहीं की थी हमने, एक्सपेक्ट एक्चुअली नहीं की थी। अगर एक्सपेक्ट करते तो उस प्रिपरेशन के हिसाब से आता, अपना माइंड सेट हमारा वैसा ही होता। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ की एक्सपेक्ट की थी मुक्तिनाथ। हाँ मुक्तिनाथ का हमने एक्सपेक्ट किया था, पर यहीं से एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने तो। और तो लैंडस्लाइड भी हमारे पीछे, यहाँ माउंटेन है और पीछे दिखा देता मैं आपको थोड़ी बहुत। ये दिख रहा होगा आपको, वहाँ क्लीनिंग हो रही है, थोड़ी रोड साफ हो रही है और पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब कि आगे भी रास्ता बंद है। तो अभी देखते हैं। एनीवेज हाउस ऑफ जोश। हाय सर। हाउस ऑफ जोश। हाय सर। हाउस ऑफ जोश। बस अभी से ज्यादा नहीं। आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग। वो मेरी वीडियो ले रही थी, मुझे पता नहीं था, उनको ये भी नहीं पता था मेरा भी कैमरा ऑन है। रास्ता खुल चुका है, वहां से कारें आना शुरू हो गई हैं। जब तक निकलेगी कैसे भाई, उनका टायर घूम रहा है, निकल नहीं रही। बैठ जाओ बाइक पे, बैठ जाओ बाइक पे, बैठो। ओ ये देखो दिक्कत होने वाली है। ओ फक, राइट साइड में बिल्कुल जगह नहीं है, स्लिप हो गया था। उनका टायर निकल नहीं पा रहा आगे। चल चल चल। ओ शिट, इधर से इधर, आगे से आगे से आगे स्लिप हो रही है, आगे इस साइड पकड़ के रखना है। इधर ना हो, इधर गाड़ी के ना हो। इधर इधर ही रहना, गाड़ी लग सकती है। अरे कहाँ रोक दी। इतना खतरनाक एडवेंचर यार, आज तक सोचा भी नहीं था इतना खतरनाक। दो बंदों के बस की तो नहीं होती ये वाला रूट करना, इस समय करना। पानी स्लश, स्नोफॉल, क्या चीज़ नहीं है।
एक चीज हो तो फिर समझ आता है, ऑफ रोडिंग या फिर ये स्नोफॉल भी होते हैं तब भी समझ आता है। ये बारिश ने खेल ही चेंज कर दिया पूरा। चढ़ जा अरे चढ़ जा रे पंछी, ओ चढ़ जा, ओ अटक गई। मेरे को तो मुश्किल है, चढ़ेगी, आना पड़ेगा धक्का मारने के लिए। चलें अकेला ही चढ़ा रहा हूँ, वो नहीं है पीछे, अकेले चढ़ रही है बाइक। Love you RS. Love you, buddy. भाई साहब, जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि ये अकेले दम पे चढ़ा देती भाई पूरा, जिंदगी में नहीं सोचा था। Oh my goodness. यार मैं बता नहीं सकता इस समय मैं कितना, आई विश चेहरा देख लेते यार आप मेरा, जो मेरे फेस पे एक खुशी सी है ना। ओहो चल गॉड, देखो यार क्या लग रहा है। बहुत गहरा था,
बहुत गहरा था। इसकी खूबसूरती जितने हुक्म है और इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी मुक्तिनाथ मुश्किल लग रहा है। यू आर टू फास्ट। बाइक से चल गई थी, आगे ना थोड़ा इधर हो, वापस लेट हो जाएंगे। पूछ लो आगे करके इनको तो हॉर्न मार देना एक बार साफ जगह पे। नहीं नहीं अभी नहीं, गाड़ी तो निकालने तो आगे। नहीं निकलेगी, इधर से आना आप, इधर से मत आना। पीछे खींचनी पड़ेगी, हाँ फिर इधर से निकाल दूंगा। एक बार आगे धक्का मार के देखते हैं, ठीक है? एक दो तीन, डर का डर। अटक गया हूँ, हट जाओ। घरों के आगे ऐसा अक्सर फिल्मों में ही देखा है, वीडियोस में देखा है, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ घरों के आगे, घरों के ऊपर ही पूरी बर्फ। तो दिस इज द डर्ट बाइक जो यहाँ आगे ज़्यादातर फॉरनर्स चलाते हैं या फिर मोटो क्रॉस वाले, और ये मोस्टली जाते हैं अपर मस्टांग में। अपर मस्टैंग मतलब इससे भी कह सकते हैं 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एडवेंचरस होता है। नेपाली है, ये रही ऑफ रोडिंग टायर्स, हर चीज़ प्रॉपर इसी सिचुएशन के हिसाब से बनी हुई बाइक है, और बहुत प्रोफेशनल वे में चलाते हैं भाई साहब, उड़ा देते हैं बाइक को ये लोग। तो भाई हम यहीं तक आ सके थे, जॉनसन वो भी कह रहे थे 20 किलोमीटर और दूर है, और मुक्तिनाथ उससे 20 किलोमीटर के आसपास, पता नहीं कितना किलोमीटर है आगे, अभी तो माइंड भी चलना बंद हो गया।